दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग भी व्हाट्सअप का इस्तेमाल करते हैं और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने व्हाट्सअप से लिंक करना चाहते हैं, तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपने व्हाट्सअप अकाउंट को इंस्टाग्राम से कैसे लिंक कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि अपन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को व्हाट्सएप से कैसे लिंक कर सकते हैं या व्हाट्सएप अकाउंट को इंस्टाग्राम अकाउंट से कैसे लिंक कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट ओपन करना होता है, ठीक है। जैसे आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ आपको ऊपर की साइड में 3 डॉट देखने को मिलते हैं ये वाले, ठीक है। सिंपल आपको 3 डॉट पर क्लिक करना होता है। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है बिजनेस टूल्स, ठीक है। आपको बिजनेस टूल्स पर क्लिक करना है। जैसे आप बिजनेस टूल्स को क्लिक कर देंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है फेसबुक एंड व्हाट्सअप एड व्हाट्सअप टू योर अकाउंट, ठीक है। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक फेसबुक का देखने को मिलेगा और एक आपको इंस्टाग्राम का देखने को मिलेगा। तो अपन बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम को कैसे अपन अपने व्हाट्सअप पे ऐड कर सकते हैं, मतलब कि लिंक कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ जो लिखा हुआ है ना इंस्टाग्राम अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सामने ऐसा देखने को मिलेगा कंटिन्यू टू इंस्टाग्राम टू ऐड व्हाट्सअप टू योर प्रोफाइल। आपको सिंपल यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस पर लिखा है कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, चंद सेकंड वेट कीजिएगा, आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल का यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा। जो भी आपका इंस्टाग्राम का यूजर नेम और पासवर्ड है वो डाल दीजिएगा। चलिए मैं अपने यहाँ पे डाल देता हूँ। दोस्तों यूजर नेम और पासवर्ड डाल देने के बाद आपको सिंपल लॉगिन पर क्लिक करना होता है। चलिए क्लिक करते हैं। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, चंद सेकंड वेट कीजिएगा, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा और दिखाएगा सेव इन्फॉर्मेशन। आपको सिंपल सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक कर देंगे, चंद सेकंड वेट कीजिएगा, तो यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। विच बेस्ट डिस्कवरी यू लिखा है, कैरेक्टर और बिजनेस। तो आपको सिंपल आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है। बिजनेस पर टिक करके मैं नेक्स्ट पे कर देता हूँ। आपको जो भी करना हो आप कर सकते हैं, फिर सिंपल आपको नेक्स्ट पर टिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर टिक करेंगे, चंद सेकंड वेट कीजिएगा, तो ये आप देख पाएंगे योर इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट इज रेडी। आपको फिर नेक्स्ट पर टिक कर देना है, तो आप देख पाएंगे ये हो चुका है कम्प्लीटली, ठीक। अब सिंपल आपको इसको ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे ऐड पर क्लिक करेंगे लिखाएगा व्हाट्सअप एडेड, ठीक है। आपको डन पर क्लिक कर देना है, तो आप देख पाएंगे आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो आपके व्हाट्सएप से सक्सेसफुली लिंक हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए अब मैं आपको दूसरे नंबर में ले जाकर दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखाई देगा, ठीक है। बैक कर देते हैं। अब मान लीजिए मैं दूसरा कोई व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा नंबर है और यहाँ पे आप देख पाएंगे तो मैं अपने जो नंबर उस पर टिक करूँगा। टिक करने के बाद यहाँ अगर मैं नीचे इन्फॉर्मेशन देखता हूँ तो यहाँ देख पाएंगे लिखा चुका है टेक्निकल सर्जी, इस टाइप से। जैसे कोई इस पर टिक करेगा तो सीधा वो मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की प्रोफाइल पे पहुंच जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये काफ़ी एडवांस चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने व्हाट्सअप अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अब आप लोग अच्छे से पूरा समझ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।